मुद्दा उठाया। अगर हम देखें सबसे पहले बामसेप ने ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, जब ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो जातिवादी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ओबीसी का जाति जनगणना का मुद्दा हर एक विपक्ष पार्टी के लोग उठा रहे हैं, हर एक विधायक उठा रहा है, हर एक सांसद उठा रहा है, ये बामसेप की देन है। पहली बात, बामसेप की बदलत ओबीसी जाति जनगणना आज पूरे देश भर में पहुंच गया है और इतना ज्यादा जन जागरण हुआ है कि उनको बोलना पड़ रहा है। ये ईवीएम का, जब ईवीएम का विरोध बामसेप ने करना शुरू किया 2012-14 में, मुझे याद है जब बिहार में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो उसमें बामसेप का ये विषय रखा गया था ईवीएम मशीन से जो चोरी हो रही है। तो जो मैं सुन के आया, मैं गांव में बताया तो लोग कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ईवीएम मशीन तो आरएसएस से जन्म ले रही है। तो बामसेप आरएसएस को उसके मुकाबले पे, उसके लड़ाई लड़ने के लिए बामसेप तैयार कर हो चुका है। तो बामसेप से लोग जुड़ के इस संगठन को मजबूत। लेकिन सर ऐसा आप कह रहे हो बामसेप लड़ाई के लिए, संपूर्ण देश में एससी के लोगों, एसटी के लोगों में अलग अलग तबके, अलग अलग एरिया में सामंतवादी लोग होते हैं, उनके द्वारा अन्याय अत्याचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, पानी के नाम। दर्शकों को आज हमारे साथ है सुधांशु मोरे, प्रदेश महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। हम आज देश में व्याप्त अलग अलग समस्याओं को लेकर और सामाजिक आंदोलन को लेकर इनसे आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सुधांशु मोरे जी, आपका इस चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश से आते हो और ओबीसी से आते हो, ये जो 5 दिन का जो अधिवेशन लगा हुआ, इसमें आप खुद आने के बाद खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है बामसेप का, ये एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जो महापुरुषों को, आंदोलन को चलाने के लिए बामसेप बनाया गया था, आज वो बामसेप हर एक जन जन तक लोगों को तो पहुँच गया है। जो बामसेप पहले जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के अंदर था, लेकिन आज ये बामसेप 6000 जातियों में पहुंच रहा है और लगभग कई लाखों की इसमें गांव में पहुंच गया है। और जो एक जनसैलाब बामसेप की तरफ बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सबको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सभी अलग अलग जाति के लोग और सभी अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग ज़िले के लोग इस आते हैं और एक भाईचारा के साथ में, जैसे हम अगर इतिहास में पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त अशोक, चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था, उस समय किसी प्रकार का चोरी नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई समस्याएं नहीं थी। तो इस 5 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम ये देखते हैं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम किसी को जानते नहीं हैं, हम किसी को पहचानते नहीं, उसके बाद भी वो हमारे साथ में एक भाईचारा के साथ में उनको तालमेल कर रहते हैं। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन में हमको अपनापन भी महसूस होता है, इसलिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है नागपुर की धरती पे, बहुजनों का सबसे बड़ा ये अधिवेशन हो रहा है, क्या लगता है संपूर्ण भारत के कितने राज्य से और जो ये यहाँ क्राउड इकट्ठा हुआ है, ये कितना हुआ होगा? ये पूरे देश, पूरे भारत के सभी राज्यों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये किसी राज्य अधिवेशन नहीं है, किसी एक राज्य के आएंगे, देश में जिसमें जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। आप अगर देखेंगे तो सभी राज्यों के अलग अलग पंडाल भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो पंडाल लगे, जितने राज्य हैं उतने पंडाल लगे हुए हैं, सभी राज्यों के लोग आए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का ये संदेह नहीं है कि कौन कौन आया है, सभी राज्य के लोग आए हैं, यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी आए हैं। आपने अगर बामसेप का, लेकिन भीड़ कितनी है पंडाल में? ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, पूरे देश भर के लोग आए हैं, तो इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये कोई रैली नहीं है कि लाखों लोग आएंगे, 2 लाख 4 लाख 10 लाख लोग आएंगे, 50-60 हज़ार लोग आए हैं। एक कैडर की भीड़ है, ये कैडराइज भीड़ है। तो आप ये समझ लीजिए 90 एकड़ की ज़मीन पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। इसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन पूरे अधिवेशन को देखने के बाद पता चलता है इसमें एससी के लोग और एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग ना के बराबर है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमें पत्रकार बंधु कह सकते हैं कि ओबीसी के लोग नहीं हैं, लेकिन ओबीसी के लोग भी हैं, इसमें नागवंशी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसके साथ साथ क्षत्रिय लोग भी हैं जी। मतलब देश के जितने भी नागवंशी लोग हैं, चाहे एनटी डीएनटी बीजेएनटी हो, सब के सब इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हैं। और बामसेप यही कर रहा है कि बामसेप जितने भी ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने जितने जातियां बनाई है, बामसेप ने उस जातियों को जोड़ के ये कार्यक्रम कर रहा है। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए कि ओबीसी। आप बामसेप में कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं
बामसेव में नहीं हूँ क्योंकि बामसेव सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। मैं भारत बामसेव का अपसूट विंग है विद्यार्थियों का, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। मैं उससे लगभग 7 साल से पदाधिकारी हूँ और पिछले 12 साल से 10 साल से मैं इस संगठन को जान रहा हूँ। मेरा जो पहला अधिवेशन था वो बिहार का था, तो मैं इसको जान रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, अभी कितना एचीवमेंट हुआ है समाज में, ये अभी मुझे मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये अधिवेशन कितना है कि इससे पहले कितने अधिवेशन हो चुके हैं? ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसका मतलब कि 39वां इसके पहले हो चुके हैं जी। ये 40वां है, मतलब 40 साल से लगातार बामसेव का अधिवेशन हो रहा है। 40 साल के दरमियान बामसेव की कोई बड़ी कामयाबी? 40 साल के दरमियान बामसेव की इतनी बड़ी कामयाबी है कि जब कांशीराम साहब थे तो उस समय सिर्फ 13 स्टेट में बामसेव था, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं देश के जितने राज्य 36 राज्यों में बामसेव पहुंच गया है, 36 राज्यों में, पूरे देश में बामसेव पहुंच गया, ये नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों विदेशों में बामसेव पहुंच गया है। ये संगठन अमेरिका यूएसए के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये संगठन का प्रचार प्रसार, संगठन बड़ा है, बामसेव की बड़ी कोई कामयाबी जो मूलवासी बहुजन समाज के लिए कुछ साबित कर पाए? बामसेव ने जो मुद्दा उठाया, अगर हम देखें सबसे पहले बामसेव ने ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, जब ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो जातिवादी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ओबीसी का जाति जनगणना का मुद्दा हर एक विपक्ष पार्टी के लोग उठा रहे हैं, हर एक विधायक उठा रहा है, हर एक सांसद उठा रहा है, ये बामसेव की देन है। पहली बात, बामसेव की बदौलत ओबीसी जाति जनगणना आज पूरे देश भर में पहुंच गया है और इतना ज्यादा जनजागरण हुआ है कि उनको बोलना पड़ रहा है जी। तो ये बामसेव का अचीवमेंट है। दूसरा क्या हुआ है, ईवीएम का, जब ईवीएम का विरोध बामसेव ने करना शुरू किया 2012-14 में, मुझे याद है जब बिहार में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो उसमें बामसेव का ये विषय रखा गया था ईवीएम मशीन से जो चोरी हो रही है, तो जो मैं सुन के आया, मैं गांव में बताया तो लोग कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ईवीएम मशीन तो बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि बामसेव ने अभी तक क्या किया, मैं वो बता रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ, आज ये देखा जा रहा है कि देश में ईवीएम का विरोध हर एक व्यक्ति कर रहा है। ग्रामीण से आप पूछोगे कि आप वोट किसको दोगे तो वो कहता कि हम मुठिया केहू की दे दी लेकिन जाए बीजेपी के ही, अपने देसी भाषा में बोलता है कि मुठिया केहू की दे दी लेकिन जाए तो बीजेपी ही के, इसीलिए हम वोटवा न हटा देव जब तक ईवीएम न हट जाए। तो ये ईवीएम का जो आज विरोध देश भर में हो रहा है ये बामसेव के जागरूकता के वजह से हो रहा है। चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है और लोगों में भी ये साबित हो रहा है, जिस ईवीएम मशीन का आप लोग विरोध करते हो, संगठन के लोग विरोध करते हैं, उनके समर्थकों के द्वारा जो पार्टी खड़ी की गई बहुजन मुक्ति पार्टी, वो चुनाव में हिस्सेदारी लेती है, उसी ईवीएम से खुद के कैबिनेट खड़े करते हो, वोट संपन्न करवाते हैं, इसका मतलब दोहरी नीति है, ईवीएम का केवल विरोध है। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी चोरी कैसे समझेंगे? अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो बेईमानी कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका कैसे कहेंगे कि हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम इसका विरोध करते हैं? तो इसके लिए हमें राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ा और चुनाव लड़ के उनका विरोध करना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात है, ये आपने कहा कि चुनाव आयोग का ये मानना है, चुनाव आयोग है खुदा थोड़ी है जो बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा चुनाव आयोग है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ईवीएम मशीन से लेकर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट का बात मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान रहा है इसका मतलब गैर संवैधानिक काम कर रहा है, गैर संवैधानिक मतलब देशद्रोह काम कर रहा है, मतलब चुनाव आयोग भी देश के विरोध में काम कर रहा है, देशद्रोही काम कर रहा है चुनाव आयोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष भामेश राम साहब कह रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग अगर ऐसा कहता है तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते, चुनाव में हिस्सेदारी क्यों लेते? चुनाव जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक उसकी हम चोरी नहीं पकड़ सकते हैं, पहली एक बात। दूसरी बात ये रही कि अगर चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहा है, ये कैसे साबित होगा कि वो देशद्रोह कर रहा है, किस आधार पे आप बोलते हो कि चुनाव देश आयोग? पहली बात, देश की जनता ये चाहती है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, देश की जनता विरोध कर रही है, देश की जनता भारत बंद कर रही है, कोई गली बंद नहीं हो रहा, भारत बंद हो रहा है ईवीएम के विरोध में, जितने विपक्ष पार्टी हैं सभी के सभी ईवीएम के विरोध में उन्होंने मोर्चा खोला है, बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि विधानसभा में भी इस बात का उठाया गया कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसका है कि देश की ज्यादा आधा आबादी, सर इसका मतलब नहीं, मैं पहले बात सुनिए, देश की जितनी भी आबादी है 140 करोड़ जनता ईवीएम का विरोध कर रही है, ये मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। सर मेरा ये जवाब है, आप अभी बात पूरा नहीं हुआ, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, वीवीपैट लगाया जाए। कब बोला? 13 अक्टूबर
2013 में 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है, 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है और इसके लिए उसको वीवीपैट लगाना चाहिए। ये बावन मिश्राम साहब का केस था, बावन मिश्राम साहब ने जीता। ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन के लिए वीवीपैट लगाना पड़ा, कई हज़ार करोड़ रुपए खर्चे हुए, लेकिन लगाने के बाद क्या कर रही है सरकार और चुनाव आयोग उसकी गिनती नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया गया, ये भी देशद्रोह का काम हुआ कि उसका अवहेलना किया गया, ये काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव वीवीपैट लगाना चाहिए, लगाने के बाद गिनती नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो लोग चोरी करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते, ये भी देशद्रोह हो गया। सर आपका कहना है कि ईवीएम से चोरी होती है, ईवीएम से घोटाला होता है, समाधान क्या है सर? समाधान ये है कि अगर ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं तो वीवीपैट की जो पर्चियां निकलती हैं उसकी भी गिनती होनी चाहिए जी, 100% गिनती होनी चाहिए। एक तो आपके आप आपके केवल मात्र कहने से 100% गिनती हो जाएगी। मेरे को बाम से कह रहा है, बाम से पूरे देश भर में है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बाम से है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, भारतीय युवा मोर्चा है, विपक्ष की पार्टी है, भारत देश की जनता ये मान रही है कि ईवीएम मशीन से चुनाव अगर होता है तो उसकी वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी गिनती होनी चाहिए। ईवीएम के बंदोबस्त को लेकर क्या कोई प्लान है क्या? ईवीएम के बंदोबस्त के लिए प्लान है कि अगर ईवीएम मशीन से, अगर अभी भारत बंद कई बार किया गया है जी, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन मिश्राम साहब ने ऐलान किया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो 31 जनवरी को 2024 में चुनाव आयोग पर लाखों लोगों की मोर्चा लेके जाया जाएगा। उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग इसकी बंदोबस्त नहीं करती है, इसको रोकने का काम नहीं करती है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लाखों की संख्या में ईवीएम मशीन तोड़े जाएंगे और ये देश की जनता तोड़ेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से ओबीसी समाज को, संपूर्ण देश का क्या मैसेज देना चाहते हो? हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को, पूरे देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में जो गैर बराबरी है, जो जातिवादी है और जो मनुवादियों का षड्यंत्र है, हम लोगों को अलग अलग करके, अलग अलग जातियों में बांट के, जो अलग अलग संप्रदाय में लड़ाई करने का काम वो लोग करते हैं, एक दूसरे को छुआछूत में बांट दिए हैं। बाम सेफ एक ऐसा संगठन है जो सारे लोगों को जोड़ के काम कर रहा है और इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे संगठन हैं वो समस्याएं के पीछे भागते हैं, ये समस्याएं को पीछे नहीं भाग रहा है, ये समस्या जहां से जन्म ले रहा है उसको काटने का काम कर रहा है। तो आरएसएस और बाम सेफ की एक खुली चुनौती हो गई है, आमने सामने लड़ाई हो गई है, क्योंकि सारी समस्याएं आरएसएस से जन्म ले रही है, तो बाम सेफ आरएसएस को उसके मुकाबले पे, उसके लड़ाई लड़ने के लिए बाम सेफ तैयार हो चुका है। तो बाम सेफ से लोगों जुड़ के इस संगठन को मजबूत, लेकिन सर ऐसा आप कह रहे हो बाम सेफ लड़ाई के लिए संपूर्ण देश में एससी के लोगों, एसटी के लोगों में, अलग अलग तबके, अलग अलग एरिया में सामंतवादी लोग होते हैं, उनके द्वारा अन्याय अत्याचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, पानी के नाम पे किसी को पीटा जाता है, किसी को मारा जाता है, कोई मंदिर के पास में निकलता है और उनको अगर प्यास लगती है, पानी पीता है, तो उनको मार दिया जाता है, और कोई बहन बेटी रास्ते पे गुजरती हुई तो सामूहिक बलात्कार होता है। सर इसको लेकर बामसेफ के द्वारा किसी प्रकार का धरातल पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है सर? एक्शन होता है, और जो अभी एक्शन होता है मैं बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि आप ये जो गिना रहे हैं ये समस्या है, मैंने पहले कह दिया कि समस्या का जन्म जहाँ से हो रहा है उसको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर ब्राह्मणों का शरण समझिए, मनुवादी शरण समझिए, एक नाला है, एक नाला से पानी बह के एक दूसरे के घर में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपना घर बांधा, तो वो पानी में एक क्वालिटी होती है कि वो अपना रास्ता खुद ही बनाता है, तो वो आप पहला व्यक्ति बांधा दूसरे घर में चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति बांधेगा तीसरे घर में जाएगा, तीसरा व्यक्ति बांधेगा फिर पहले घर में जाएगा, लेकिन नाला कोई नहीं बंद कर रहा है। बाम सेफ उस व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, वो जो नाला है, जो जातिवाद नाला है, जो जाति व्यवस्था की नाला है, उस नाले को बाम सेफ खत्म करना चाहता है। जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो जो समस्याएं हैं इस देश में, कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी, इस देश के हुक्मरान एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग होंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग सामाजिक लोग होते हैं, इनके अंदर सामाजिक ईमानदारी होती है, ब्राह्मणों के अंदर सामाजिक ईमानदारी नहीं होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इनको जज बनने के लिए भी रोका था, क्योंकि इनके अंदर सामाजिक ईमानदारी नहीं होती, इसलिए ये अभी जो व्यवस्थाएं हैं ये गैर सामाजिक लोग चला रहे हैं, गैर सामाजिक जो समाज में असमानता चाहते हैं वो लोग चला रहे हैं, इसलिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर इसको खत्म करना है तो बाम सेफ से जुड़ के, बाम सेफ के आप जुड़ विंग से जुड़ के आंदोलन करना पड़ेगा, और इस देश को अगर बचाना है तो जन आंदोलन से ही हो सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जन आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन से हुक्मरान बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे तो इस देश के
जो शासक जाति जमात है वो खत्म होगा और इस देश में मूल निवासियों का राज आएगा। जब मूल निवासियों का राज आएगा इस देश की सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो इसका एक ही कारण है, एक ही समाधान है, जन आंदोलन। बामसेफ जन आंदोलन करने के कगार पे है, आप सभी लोग बामसेफ से जुड़े। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सुधांशु मौर्य, प्रदेश महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। साथियों, इनकी बातें सुनने के बाद संपूर्ण देश को बामसेफ के साथ जुड़ना चाहिए। बामसेफ वो यूनिवर्सिटी है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण कार्य करवाने के लिए तैयार करती है, समाज को दिशा दशा देने का काम करती है, समाज में लीडरशिप निर्माण करने का काम करती है, समाज में दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने का बामसेफ काम करती है। बामसेफ में एक एक व्यक्ति अपने आप में दक्ष होता है और बामसेफ में जो व्यक्ति आया वो दुनिया लेवल का नॉलेज रखता है, दुनिया लेवल की इंफॉर्मेशन लगता है और दुनिया की हर परिस्थिति से बाहर निकालने का एक तरीका उसके पास होता है। समाज को सही और गलत का फैसला डिसाइड करवाने का कार्य कोई संगठन दुनिया के अंदर कर रहा है वो बामसेफ कर रहा है। बामसेफ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 365 दिन चलते फिरते कार्य करती रहती है। बामसेफ की वजह से ही इस देश में जन आंदोलन होगा ऐसा हमारे इंटरव्यू अभी लिया सुधांशु मौर्य उनके माध्यम से ऐसा साबित होता है। संपूर्ण देश के जो मूल निवासी दस्तक चैनल को देखने वाले शुभ चिंतक है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आभार।